हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस माय नेम इज सारा आज की वीडियो और डर्माकॉस के ब्लीच पर होने वाली है इसमें मैं रिव्यू करूंगी साथ में आपको बताऊंगी कि इसको यूज कैसे करते हैं और दूसरी बात ये कि ब्लीच क्रीम स्किन के लिए सेफ होती है या नहीं और कौन सी स्किन टाइप वाले जो है वो इसको यूज कर सकते हैं और सेकेंडली ये आम ब्लीच के मुकाबले में इस ब्लीच को यूज करना बेटर है या नहीं तो काफी सारे क्वेश्चन होते हैं ब्लीच से रिलेटेड उनको भी हम रिजोल्व करने वाले हैं और डर्माकॉस की ब्लीच पर भी बात करेंगे तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा अगर आप बाकी इंटरेस्टेड हो और आप भी ब्लीच क्रीम यूज करते हो तो उसके फायदे और नुकसान जो है वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाले तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना स्किप किए आपने वॉच करनी है ठीक है तो यहाँ पर गाइस डरमाकोस की जो ब्लीच होती है उसमें इस तरह के दो कंटेनर आपको मिलेंगे जिस कंटेनर के अंदर एक में आपको लोशन मिलता है ब्लीच का और दूसरे के अंदर ब्लीच पाउडर मिलता है अच्छा जो ब्लीच पाउडर होता है उसके ऊपर सिंपल छोटी कंटेनर होता है और थोड़ा सा लाइक चौड़ा भी होता है बड़े कंटेनर के मामले में उस पे लिखा होता है फेशियल बॉन्ड ब्राइटर ठीक है गईस एक चीज मैं आपको बता दूं कि ब्लीच क्रीम क्या करती है और सबसे पहले तो बहुत सारे बंदे तो जानते होंगे कि ब्लीच क्रीम स्किन को फौरी तौर पर लाइटनिंग प्रोवाइड करती है लाइक like जैसे ही आप ब्लीच क्रीम अप्लाई करते हो 10 टू 15 मिनट्स में आपकी जो स्किन है वो लाइटनिंग की तरफ निकल जाती है लाइक like आपको दो तीन शेड काफी अपना जो कलर है वो फेयर इंस्टेंट मिलता है ठीक है अब ब्लीच क्रीम वैसे तो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग देती है नरिश भी करेगी आपको ये वाली ब्लीच क्रीम और दूसरी बात ये ब्लीच क्रीम से क्या होता है जो आपके दाग धब्बे होते हैं ना वो फौरी तौर पर छुप भी जाते हैं और एकदम से आपके जो बालों का कलर होता है फेस के ऊपर जिसकी वजह से आपका फेस ब्लैक लगता है तो उन बालों के ऊपर हल्का सा कलर आ जाता है ब्राउनिश कलर आ जाता है तब आप जब ब्लीच करते हो ठीक है तो उससे क्या होता है कि कलर हो जाएगा बालों के ऊपर और फिर आपका जो फेस है वो एकदम फेयर नजर आने लगता है क्योंकि बाल जो ब्लैक होते हैं वो ब्लैक लगते ही नहीं है तो एकदम फेयर टून की तरफ आपको महसूस होता है तो लोग क्या समझते हैं कि ब्लीच करना काफी अच्छा होता है और रंग को फटाफट से गोरा कर देती है लेकिन गाइज हद से ज्यादा ब्लीच करना भी स्किन के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि ब्लीच जितने भी एजेंट होते हैं वो आपको लाइटनिंग तो देते हैं स्किन आपकी लाइट करेंगे ब्राइटन करेंगे आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट देंगे लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो काफी हार्म होते हैं और जब आप सेंसिटिव स्किन के ऊपर लगाते हो हो सकता है आपकी स्किन जल जाए लाइक आपकी स्किन रेड हो जाए एक्स्ट्रा आपको रेस पड़ जाए या आपको ईचे खुजली वगैरह भी हो सकती है और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लाइक like, दो दिन दो महीने तीन महीने या चार महीने में कभी कभार मैं ब्लीच करती हूँ बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि जब मैं ब्लीच को लगाती हूँ ना तो उसकी स्मेल से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हार्ट फेल हो जाएगा या बहुत अजीब लगती है और आंखों में जलन होना शुरू हो जाती है क्योंकि मैं ब्लीच क्रीम ज्यादा यूज नहीं करती हूँ जो लोग यूज करते हैं उनको एक चीज़ की आदत लग जाती है तो वो स्किन थोड़ा सा लाइक आप बर्दाश्त करने लगते हो तो आपको थोड़ी बहुत आदत हो जाती है लेकिन जो लोग बहुत कम यूज करते हैं बहुत कम ट्राई करते हैं तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है अच्छा ब्लीच क्रीम को महीने में एक बार आप कर सकते हो हैंड्स एंड पे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो हफ्ते में भी एक बार कर सकते हो पंद्रह लेकिन चाहता है लेकिन आगे चलकर ब्लीच क्रीम काफी ज्यादा नुकसान आपको पहुंचा सकती है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी स्किन पतली होती जाएगी लाइक बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और ठीक है कुछ समय के लिए आप ब्लीच क्रीम लगा के अपने फेयर करते हो कलर को लेकिन बात में क्या होता है जब आप इस तरह की चीजें छोड़ने लगते हो ना तो आपका कलर एक्स्ट्रा ब्लैक होना शुरू हो जाता है ठीक है वो कुछ ज्यादा ही फिर आपको ब्लैक लगता है क्योंकि आपको एकदम से ऐसे कलर की आदत हो जाती है और फिर जब आप चाहते हो कि आप हार्मफुल चीजें छोड़ दो हार्मफुल चीजों से आपकी स्किन और ज्यादा खराब हो रही होती है फिर आप वो यूज नहीं करोगे आपको आदत लग जाएगी तो आपको अपना फेस और ज्यादा खराब लगेगा फिर आप डाटोलॉजिस्ट के पास भागोगे भाई हमारी स्किन खराब हो चुकी है इस तरह की चीजें यूज करके अच्छा तो ब्लीच क्रीम वैसे आपको फटाफट से इंस्टेंट वाइटनिंग देती है आप ईद पे आप किसी फंक्शन वगैरह आप इसको यूज कर सकते हो महीने में एक बार भी यूज कर सकते हो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है अच्छा डर्माकॉस की जो ब्लीच होती है ना गाइस वो दूसरी जो मार्केट की ब्लीच होती है लाइक आपको जो दस में ब्लीच मिलती है उससे कई ज्यादा मतलब बेटर होती है ठीक है आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो वाली ब्लीच यूज करो या वो वाली बहुत सारे लोग कहते होंगे कि यार दस बीस रुपए की ब्लीच में जब काम बन रहा है कलर फेयर हो रहा है तो हम महंगी ब्लीच क्यों ले गाइस महंगे प्रोडक्ट का मतलब होता है आपकी स्किन की सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाता है ठीक है एक ब्रांड है काफी टाइम से चल रहा है डर्माकॉस का लाइक इतना टाइम हो गया इतना अर्सा हो गया इसको यूज कर ते हुए और इसके प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद आपको ऐसी आदत हो जाती है लाइक आपको अच्छा लगता है कि आप एक चीज यूज करो नई नई चीजें इस्तेमाल करना फिर स्किन से रिलेटेड आपको डर भी लगता है ठीक है डरमाकॉस की जो ब्लीच होती है आपको सॉफ्ट स्मूथ स्किन फील करवाती है बट अगर आप चाहते हो उसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है तो सिंपल आपने ब्लीच किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ अच्छा गाइस आप सील चेक कर लिया करो कि आपकी जो सील है प्रोडक्ट नया लिया है तो सील होनी चाहिए क्योंकि डर्माकॉस वाले आपको स्टिकर लगा के देते हैं तो स्टिकर हटा नहीं होना चाहिए अगर हटा हुआ है या फटा हुआ है तो समझ लो

एक टेबल स्पून लेना है लोशन क्यों कि आपके स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है इस वजह से लोशन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और आपके स्किन के लिए पाउडर जो है वो काफी हार्मफुल होता है इसलिए उसको कम क्वांटिटी में यूज करते हैं ताकि आपके कलर जो है वो इफेक्ट अच्छा भी आए लेकिन आपको ज्यादा जलन वगैरह भी महसूस ना हो सिंपली अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा बेबी ऑयल एड करते हो ब्लीच क्रीम के अंदर और दो व्हाइटनिंग कैप्सोल एड करते हो तो आपका जो रिजल्ट है ना वो काफी काफी अच्छा आने वाला है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको लाइक आपके स्किन ग्लो करेगी आपको एक्स्ट्रा शेड कलर फेयर नजर आएगा दो व्हाइटनिंग कैप्सूल तो लेना, लेना है और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लो पांच मिनट के लिए छोड़ दो व्हाइटनिंग कैप्सूल डालोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा थोड़ा सा आप इसके अंदर बेबी ऑयल भी एड कर सकते हो या कोकोनट ऑयल भी लाइक फाइव टू टेन ड्रॉप जस्ट उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लो मिक्स करने के बाद फेस धोने के बाद इसको अप्लाई करना ठीक है अच्छे से पानी से धो लेना या फिर आप क्लीनजिंग कर लेना फेस के ऊपर उसके बाद इसको अप्लाई कर लेना अप्लाई करने के बाद पंद्रह मिनट आपने एटलीस्ट छोड़ना होता है दस से पंद्रह मिनट दस मिनट में भी बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिल जाता है आपके बाल थोड़े से हेयर जो है वो ब्राउन हो जाए तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपकी ब्लीच कंप्लीट है आप एक जरा सा हटाकर कर आप स्किन से देख सकते हो कि बाल अगर चाहे आपके लाइट हो गए हैं तो इट मीन्स आपकी ब्लीच का टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया है वैसे ब्लीच के ऊपर टाइम लिखा हुआ होता है फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स के अंदर जो है आप इसको रिमूव कर सकते हो ठीक है गाइस तो सिंपली पंद्रह मिनट के बाद अपने फेस को धो दो लो धोने के बाद आपको रिजल्ट आपके सामने होगा और डेमोकोस की ब्लीच अच्छी होती है ऐसा नहीं है उससे सेफ होती है ठीक है तो बाकी ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती है ऐसा नहीं कह सकते कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है साइड इफेक्ट्स ब्लीच क्रीम के होते हैं क्योंकि इसमें व्हाइटिंग व्हाइटनिंग केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से आपको व्हाइटनिंग मिलती है तो इसीलिए सेफ मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ बट मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि एक हल्की क्वालिटी की एक अच्छी क्वालिटी की तो स्किन का मामला है तो इससे ज्यादा हम खुद समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ठीक है याद रखना हैंड्स पे करना चाहते हो तो महीने में दो बार भी कर सकते हो लेकिन अगर फेस पे फे करना चाहते हो महीने में एक बार ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी ज्यादा आप इसको यूज मत कीजिएगा क्योंकि ब्लीच क्रीम जितने भी वाइटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो विद इन फ्यूचर लाइक तीन चार पांच साल के बाद आपको नुकसान पहुंचाते हैं बहुत सारे लाइक ऐसे भी साइंटिस्ट हैं लाइक ऐसा भी है कि आपकी स्किन में स्किन कैंसर की प्रॉब्लम भी हो जाती है ठीक है और ये बात गलत नहीं है क्योंकि रिसर्च में अगर ये बात है तो वो चीज आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचाती है आपको पता नहीं चलता कैसे आपको कब बीमारियां आप बन जाती हैं आपको यकीन तक नहीं होता है ठीक है तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा वैसे डरमाकॉस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद मैं यूज कर, करती हूँ और डरमाकॉस का कंप्लीट फेशियल पे भी मैंने रिव्यू किया है अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में चैनल पर वीडियो वॉच कर सकते हो आई बटन भी लगा दूंगी आप वहां से भी देख सकते हो ठीक है अब बात करते हैं इसकी प्राइस की तो ओवरऑल गाइस आपको एट हंड्रेड रुपीज के अराउंड मिल जाएगा पहले लाइक आज से एक साल पहले की बात की जाए तो सेवन हंड्रेड रुपीज में दोनों चीजें आ जाती थी बट आपको एट से नाइन हंड्रेड रुपीज के बीच में ये दोनों चीजें मिलने वाली ठीक है ओवरऑल आपका स्किन का कलर एनहेंस होगा ब्राइटन होगी और स्किन नरिश होगी साथ में आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट भी हो जाएगी इस ब्लीच को करने के बाद जब भी आप ब्लीच करते हो लाइक अगर सर्दी के मौसम में कर रहे हो तो अपनी स्किन के ऊपर ब्लीच करने के बाद कोकोनट ऑयल लगाओ या कोई मॉइस्चराइजर लगाओ क्योंकि ब्लीच से स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है ठीक है ये थी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज